श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ प्रथम अध्याय परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान जी की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और परलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नमिश्चरण क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थचित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उससे भगवान जी की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उनके रस वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? तो सूर्य ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल लाएं। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्हें नगर से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम हितेशी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पतियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ के, तब उन्होंने वज्रनाभ से ये बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की और शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक है, वह ये कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भरी भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा परीक्षित से कहा। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह श्रद्धा आपके अनुरूप है। आपके पिताजी ने मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भरी भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रजा कहाँ चलेगी, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही
तब उन्होंने वज्रनाब का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। ये ही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाम ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाम की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनके सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्चित होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्य, रज, तम इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी से स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा रम और आत्मकाम हैं। प्रेम रस से डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वंचित पदार्थ हैं, वांछित पदार्थ हैं, गौएं, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि, ये सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की ये रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और परलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार ये निश्चय होता है कि भगवान जी की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक, दूसरी व्यवहार की। वास्तविक लीला स्वयं वेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उसके रसिक भक्तजन ही जानते। जीवों के सामने जो लीला होती है वे व्यवहारिक की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार आदि की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान जी की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहार की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पुरुष पर यह मथुरा मंडल है। यही वह व्रजभूमि है जिसमें भगवान जी की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब बोर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग गोपियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यही प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन करें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान जी के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उससे भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे ये निश्चय हुआ कि यहाँ पहले तीन प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उसकी उनकी श्रेणी के हैं जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं,
जिनका भगवान जी से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान जी ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान जी ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मुसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान जी को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन मान सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए वज्रनाभ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, धीरपुर, डींग, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और भरत सानु बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान जी की लीला के स्थल नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना ही चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान जी की लीला के जितने भी स्थल हैं सब की तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे, फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान जी की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवार, शांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रजभूमि महात्म्य वर्णन नाम प्रथमोध्याय। अथ द्वितीयोध्याय में जमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट हो जाना। ऋषियों ने पूछा, सोजी अब ये बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब शांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सोजी कहने लगे, तंत्र महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली में हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन मानरों को जो भगवान जी के बड़े ही प्रेमी थे बुलवाया, उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान जी के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए, स्थान स्थान पर भगवान जी के नाम से कुंड और कुएँ खुदवाए, कुएँ और बगीचे लगवाए,
शिव और देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उन्होंने प्रजाजनों को ही बड़ा आनंद दिया। वे सदा भगवान जी के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न होकर परम आनंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ की राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रीतम पति देव की चतुर्थ पट रानी कालंदी अर्थात जमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सोतिया डा का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उसका प्रेस छुटकर जमुना जी हंस पड़ी, साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहने हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा, अतः वह इस प्रकार कहने लगी। जमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति श्री राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा राधा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है, इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान जी का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वह इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सो जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली जमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो श्री कृष्ण पतियों ने कहा, सखी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हो गई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, इसलिए कालंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी शीघ्र ही मिल जाएं। सो जी कहते हैं,
श्री कृष्ण की रानियों ने जब जमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को बधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिका आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान जी की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान जी के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि, इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान जी ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहां से भगवान जी के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान जी की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली, वहां की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान जी की प्रीतिमा गोपियों की चरण राज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान जी ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है और वे उससे अलग नहीं रह सकते, इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा वेणु मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान जी के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सो जी कहते हैं, जमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने जमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें वज्रनाभ तथा कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले लिया और उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि जमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हो गया। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न होगी, उससे वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण गुलम और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने प्रकट हो गए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई, जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न होकर अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक में नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश आया, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखकर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर वे उनकी पूजा करने लगे। तृतीयोध्याय में श्रीमद् भागवत की परंपरा और उनका महात्म्य, भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। सो जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण संकीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो,
एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही परिपूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारा भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात, तुम तो कुछ कर रहे हो, सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों ना हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपोत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों के ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें व्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त होकर उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से शोभित करता हुआ यहां सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्णचंद्र नित्य परिपूर्ण है। श्री कृष्णचंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनमें सहस्त्रों चिन्ह में किरणें निकलती रहती हैं, इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान जी के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भ्रम भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। ये बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु अब वह समय तो बीत गया। इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान जी के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रीतिमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रु पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियां तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन नहीं करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान जी का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आखिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था,
अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए। इसमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान जी ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है, पर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पाप आत्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डालने लग जाएं, अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्रह्मन, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा सात आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताहप्रायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी को ही भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु जी ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य उनके लिए किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, ये बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बताइए। तो विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वह लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उसमें प्रत्येक बार भगवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसवादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बड़ी ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकार अरूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसवादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान जी ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमितिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर अत्यांतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।
तो बृहस्पति जी कहते हैं रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने एक वर्ष में एक पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार अर्थात मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म के संबंध में ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी एक मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसवादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान जी ने मुझे व्रज में अपनी प्रीतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता, तथापि जो ब्रह्म से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी उन गोपियों के प्रति भगवान जी ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका किंतु मैंने उनका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता आकर भगवान जी से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान जी ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिका आश्रम में रहकर भी यहाँ व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छा के अनुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान जी के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें भी सहायता करनी पड़ेगी। सो जी कहते हैं ये सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा हरिदास उद्धव जी आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। तो सूर्य जी कहते हैं परीक्षित का ये वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी कहने लगे राजन भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का प्रत्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय ये शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा बलवान कलयुग अवश्य इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा, इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर एक महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सो जी कहते हैं उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे ये सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा चिंता से व्याकुल हो गए। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा हे तात आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य अपने वश में करूँगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। तो सूर्य कहते हैं उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो।
संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्म में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। सूर्य जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट एक महीने तक श्रीमद् भागवत कथा की रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं को दृष्टि में सब और भगवान जी की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान जी के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत शोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान के नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गमों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूर्य जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान जी मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीयोध्याय श्रीमद् भागवत महात्म्य। अत चतुर्थोध्याय में श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, आप इस समय आप हमें ये बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं, अभिप्राय ये कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। तसूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान जी का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनको लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान जी के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्ट को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है,
उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर रूप, इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भावसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, प्रवर अर्थात उत्तम अथवा अवर अर्थात अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं, और अवर के भी वृक, भ्रुंड, वृष और उष्ट आदि अनेक भेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता भी नहीं है। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भरी भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेश नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वे प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताएगी। अब अवर यानी कि अधम श्रोता बताए जाते हैं। वृक कहते हैं भेड़िए को, जैसे भेड़िया वन के भीतर वेनु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूरख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भ्रुंड जाति का पक्षी होता है, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को भी सिखाए, वह स्वयं आचरण में ना लावे, ऐसे श्रोता को भ्रुंड कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को, उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुरी गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती खाता है, उसी प्रकार जो भगवान जी की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत सारे बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद बताए गए। इसके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गदा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए।
जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्रीमद् भगवान जी की लीला कथाओं को सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में नहीं आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान जी में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद हो और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बताता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन चार प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है और वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए, इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए तो ये तामस सेवन भी ना करने की अपेक्षा अच्छा और सुखी देने वाला है। जब वर्ष महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और शुकदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण अर्थात सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण, कीर्तन एवं रसवादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भावरोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमन करने वाले हैं, संसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान ना होने के कारण कर्म मार्ग, यज्ञादि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। स्काम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोगकर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग इस कथा के श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए ये सब धन के अंतर्गत है और उनकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को।
जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वह कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रस अभाव हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाले श्रद्धा गुणहीन हों, उनकी विधि में कुछ कमी रह जाए, तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि ये है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान जी का चरणामृत पीकर पूजा के समान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहें अथवा सुने, दूध या खीर का मौन भोजन करें, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करें, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें, प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गो भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो भी उसे अभीष्ट होता है वे सब मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेम आनंद रूप फल प्रदान करने वाला है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थो अध्याय समाप्तम इदम् श्रीमद् भागवत महात्म्यम्। हरि ओम तत्सत्।